हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाई प्रेशर से अगर हमारा सिस्टम ड्रिप कर रहा है कंप्रेशर, तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं एयर कूल सिस्टम में, वाटर कूल सिस्टम में, दोनों सिस्टम के बारे में बताएंगे किन किन कारणों से हमारा सिस्टम हाई प्रेशर में जाता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने लो प्रेशर से कैसे ट्रिप करता है सिस्टम हमारा, उसके बारे में आपको हम बताए थे कि क्या क्या कारण हो सकता है लो प्रेशर आने का और उसको कैसे ठीक करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो का नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का आप लोग जरूर वॉच करें, उसमें बहुत सारा कुछ हम एक्सप्लेन किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उसका हम डाल देंगे। तो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है एक लॉ पे काम करती है, जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो उसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट को भी डाला जाता है। जैसे बहुत तरह के रेफ्रिजरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, अपना R134 है, R22 है, अपना 407C है, 410 है, मतलब अलग अलग रेफ्रिजरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं और यूनिट में डाले जाते हैं। उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में आप लोगों को पता है कि एक लो साइड होता है, एक हाई साइड होता है। तो लो साइड में जो है सक्शन लाइन में हमारा LP स्विच को लगाया जाता है और हाई साइड जो होता है अपना डिस्चार्ज लाइन में, उधर में हमारा HP को इंस्टॉल किया जाता है। ये दोनों जो है सेफ्टी डिवाइस है, हमारा सिस्टम में सेफ करने के लिए उसको लगाया जाता है। तो एयर कूल सिस्टम में क्या है कि हमको क्या चेक करना होगा, अगर हमारा सिस्टम हाई प्रेशर से ट्रिप कर रहा है तो क्या क्या हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, चेक कंडेंसर फैन मोटर रनिंग है कि स्टॉप है, मतलब बंद है कि चालू है। हम लोग कंडेंसर फैन मोटर चेक करेंगे। अगर कंडेंसर फैन मोटर अगर बंद है तो उसमें क्या होगा कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हाई होगा और हमारा सिस्टम जो है HP से ट्रिप करेगा। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि HP स्विच काम कैसे करता है, हम आप लोग को वो चीज नहीं बता। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम इसमें एक रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं, R134A चेयर में ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है एयर कूल सिस्टम में 180 से 230 PSI के, ठीक है। और अगर यही वाटर कूल सिस्टम है, वाटर कूल सिस्टम में क्या हो जाएगा, 120 से 150 PSI जी, ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हो गया, ठीक है। और ये डिस्चार्ज प्रेशर एयर कूल सिस्टम में थोड़ा ज्यादा रहता है और वाटर कूल सिस्टम में थोड़ा कम रहता है। अभी मान लो कि 180 से 230 के रेशियो में चल रहा है तब तो हमारा सही है सिस्टम, रनिंग मतलब बराबर है, ये स्टेबल है प्रेशर। लेकिन अगर जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ जाता है 240, 50, 60 इस तरह से बढ़ने लगता है किसी भी कारण से, उस टाइम हमारा HP स्विच जो है ना एक्टिव हो जाता है और पावर को डिस्कनेक्ट करता है। जो कंट्रोल सप्लाई कंप्रेसर के लिए जा रहा होता है वो कंट्रोल सप्लाई को ये बंद कर देता है और हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाता है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक हमारा सिस्टम रन नहीं होगा। और इसका लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा कंप्रेसर को सेव करता है, ठीक है। और लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी डिवाइस को कभी भी बाईपास करके नहीं चलाने का। इनकेस इमरजेंसी में चेक करने के लिए दैट इज ओके, क्लाइंट अगर आपसे कभी भी पूछ सकता है, या इन बिटवीन फील्ड में काम कर रहे हो तो HP के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, LP के बारे में मालूम होना चाहिए। कंप्रेसर अगर जलता है तो बहुत रेयर केस में कंप्रेसर जलता है, आपसे क्लाइंट पूछेगा, साइट पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या चेक किया, इसके पहले PPM में आपने क्या कंप्लीट किया, उसको आपको रिपोर्ट बना के देना होगा। तो आपका फॉल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, डाउट समझ में आएगा, आप साइट पे अच्छे से काम कर सकते हो, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो और भी आप बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। हमारा अगर सिस्टम एयर कूल सिस्टम लगा हुआ है, अगर हमारा सिस्टम हाई प्रेशर से ट्रिप किया है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे चेक कंडेंसर फैन मोटर बंद है कि चालू है, ठीक है। अगर हमारा बंद है तो हम लोग उसको चालू करेंगे तो हमारा फिर वो सिस्टम हमारा वो ट्रिपिंग इशू हट जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे चेक कंडेंसर फैन मोटर रोटेशन। कभी कभी क्या होता है कि फैन आपका जो क्लॉकवाइज में घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लगता है, रोटेशन चेंज हो जाता है, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि वो फैन का डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो भी सही है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चेक करेंगे चेक कंडेंसर क्वाइल डस्ट, ठीक है। क्वाइल अगर ज्यादा गंदा रहता है, कंडेंसर क्वाइल रहता है, चिलर का जो कंडेंसर क्वाइल आपका ज्यादा गंदा है
तो उसमें चिलर हो या स्प्लिट पैकेज जो भी हो, अगर कंडेंसर कॉइल अगर ज्यादा गंदा है तो उसमें क्या है कि कंडेंसेशन बराबर नहीं होगा, एयर का सर्कुलेशन रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में बराबर से नहीं होगा और आपका डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा, उसमें भी आपका एचपीसी ट्रिप करेगा सिस्टम। चेक लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर, फिल्टर ड्रायर भी अगर ब्लॉकेज रहता है आपका जो लिक्विड लाइन में लगा रहता है वो भी क्या कहते हैं आपका ब्लॉकेज रहेगा तो आपका डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा। उसको चेक कैसे करना है, दोनों पाइप के मतलब फिल्टर ड्रायर यहाँ पर लगाया हुआ है, ये मान लो फिल्टर ड्रायर है तो इधर पाइप पकड़ेंगे इधर पाइप पकड़ेंगे, दोनों का जो टेम्परेचर होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है तो समझो तो कुछ उसमें प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, उसको सॉल्व करेंगे। सिस्टम रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज, अगर हम लोग सिस्टम के अंदर गैस भी ओवर डाल देते हैं, ज्यादा डाल देते हैं, तभी भी क्या है हमारा सिस्टम हाई प्रेशर से ट्रिप करेगा, वो भी देखना है प्रेशर कितना है। एचपी स्विच लास्ट में हमारा आता है, एचपी स्विच इसमें क्या होता है कि अगर एचपी स्विच ही आपका खराब है, बराबर कम्युनिकेशन इसमें से नहीं जा रहा है, तब हम लोग जो है एचपी स्विच भी डिफेक्टिव कभी कभी हो जाता है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और इसमें छूट रहा है एचपी ट्रांसड्यूसर, ये हमारा चिलर में लगाया जाता है एचपी ट्रांसड्यूसर, ये भी कम्युनिकेशन दिखाता है डिस्प्ले में कितना रीडिंग शो हो रहा है, कितना आ रहा है जा रहा है, अगर ये भी कभी कभी खराब हो जाता है कार्बन पकड़ लेता है तभी भी हमारा सिस्टम एचपी से ट्रिप करता है, दोनों में मिल जाएगा, इसमें भी आपको एचपी ट्रांसड्यूसर मिल जाएंगे। वाटर कूल सिस्टम में हम लोग अब जान लेते हैं इसमें हम लोगों को क्या चेक करना है। वाटर कूल सिस्टम में चेक दी सिटी फैन रन या स्टॉप, जो कूलिंग टावर का फैन है वाटर कूल सिस्टम में वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चेक दी कूलिंग टावर वाटर लेवल, वाटर का लेवल कूलिंग टावर जो सम्प वाटर होता है उसका वाटर का लेवल कितना है, वाटर का लेवल भी कम रहेगा तो भी हमारा जो है फिर पानी पाइप में कम पानी आएगा और हमारा इधर जो है प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। इसके पहले बहुत सारा सेफ्टी होते हैं, पंप काम करना बंद हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, बहुत सारा रीजन है, लेकिन हमको एक चेक करना है कि कूलिंग टावर का वाटर लेवल भी कितना, उसका भी एक रीजन कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे चेक दी कंडेंसर वाटर पंप, अगर पंप में पानी नहीं आ रहा है या पंप अगर नहीं चल रहा है तभी भी हमारा कंडेंसर में वाटर का फ्लो नहीं होगा और हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हाई होकर के ट्रिप कर जाएगा, वो भी हम लोग चेक करेंगे। चेक दी कंडेंसर इनलेट आउटलेट वाल्व, कभी कभी क्या होता है कि वाल्व को बंद कर दिया जाता है, इनलेट आउटलेट वाल्व जो है बंद हो जाएगा तो उसमें आपका प्रेशर भी दिखेगा, तो प्रेशर हमको चेक करना है कि प्रेशर इन आउट कितना हो रहा है, तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, उससे भी हमारा जो है डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा और ट्रिप करेगा। चेक दी ड्रायर फिल्टर ब्लॉकेज, अगर ड्रायर फिल्टर वही लिक्विड टैंक का अगर ड्रायर फिल्टर ब्लॉकेज हो जाएगा तभी भी हमारा सिस्टम हाई प्रेशर से ट्रिप करेगा। चेक दी कंडेंसर ट्यूब स्केल, कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब के अंदर स्केल ज्यादा जाता है, जो कि जो पानी आता है कूलिंग टावर से उसके अंदर डस्ट वगैरह बहुत सारा कुछ मिक्स होते हैं, तो जिसके जरिए आप सुने हुए डी स्केलिंग, वाटर कूल चिलर में जो है कंडेंसर को डी स्केलिंग किया जाता है, तो वही अगर उसका अप्रोच बढ़ जाएगा वो सब चेक करना एक अलग है, और नॉर्मली अगर ऐसे मालूम करना है तो हमारा डेल्टा टी भी जो है बहुत कम हो जाएगा और उसका जो इनलेट आउटलेट प्रेशर जो है इसे नॉर्मली जो है हमारा 0.5 केजी जो है, अगर 3 केजी जा रहा है इनलेट कर रहा है तो हमारा 2.5 केजी जो है आउट होना चाहिए, अगर उससे भी ज्यादा डाउन हो जाता है कम हो जाता है मतलब कि प्रेशर हमारा बहुत ड्रॉप हो रहा है, स्केल ज्यादा आ गया है, तभी भी हम लोग जो है उसको डीस्केलिंग करेंगे तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज इन द सिस्टम, ठीक है, रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज अगर सिस्टम के अंदर गैस भी ज्यादा चार्ज है तो ऑफ कोर्स जो है हमारा हाई प्रेशर सिस्टम ट्रिप करेगा। और एचपी स्विच जो है एचपी स्विच भी अगर हमारा खराब हो जाता है, जो कम्युनिकेशन करके पावर कंट्रोल को डिफेक्टिव कंट्रोल को कट करता है, अगर वही खराब हो जाता है तब हमारा जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फिर एचपी ट्रांसड्यूसर हो गया, एचपी ट्रांसड्यूसर भी खराब होगा, कम्युनिकेशन सही नहीं देगा तो हमारा सिस्टम ट्रिप करेगा। इसके अंदर मान लीजिए डिस्चार्ज प्रेशर 120 से 150 पीएसआईजी होता है, अगर 150 पीएसआईजी से ऊपर जाने लगता है इस बीच में चलता है तो हमारा प्रेशर स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही हमारा 150 से ऊपर जाने लगेगा हमारा प्रेशर तो उस बीच में क्या होगा हमारा सिस्टम एचपी से ट्रिप कर जाएगा। तो ये कारण है और ये सबको आप लोग वन बाय वन चेक करेंगे, जो भी किस कारण से एचपी हमारा ट्रिप कर रहा है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में हमको सब कुछ बताना रहता है तो बहुत सारा कुछ छूट भी जाते होंगे, और जो भी अगर डाउट है किस तरह से कुछ और भी कुछ सीखना है
तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके, और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों तक अगर आप चाहते हैं उनको भी मालूम चले तो उनको आप जरूर शेयर करें। और चलें फिर हम अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।